गेमर्स वेलकम टू द एल्डर। तो गाइस आ चुके हैं मेरे को नए वीडियो के साथ में और आज अपन वापस से भाई खेल रहे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। और भाई इस गेम को शौक अभी मेरे को अच्छे से चढ़ गया तो अभी कुछ दिनों तक भाई मैं यही गेम खेलने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। और ये बरसात हमेशा क्यों होती रहती है भाई, घूम फिर के दो तीन दिन में भाई बारिश शुरू हो जाती है, यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले तो बता देता हूँ भाई, यहाँ पे एक मैंने थोड़ा बहुत अपग्रेड किया, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल क्या ही बोला हूँ, ये फेंस वगैरह मैंने लगाई है, ठीक है। और उसके बाद में भाई एक रैप्टर आया था यहाँ पे और उस रैप्टर ने भाई ऐसी की तैसी कर डाली मेरे डिलोफोसॉरस और पैरासोर को भाई मार डाला, ठीक है। इधर मेरे तीन डायनो भाई मैंने सेव करके रखे थे लेकिन भाई मर गए तीनों तीन। फिर उसके बाद मैंने एक ये पैरासोर टीम किया और ये 85 लेवल का था और अभी एक 104 लेवल का हो चुका है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने और कुछ खास किया नहीं है। यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने ड्रॉप वगैरह लूटे और भाई मैं इधर पीछे की साइड में ज्यादातर राउंड मारने गया था तो भाई वहाँ पे एक टी रैक्स घूम रहा था और भाई वो बंदा इधर लिटरली नीचे आने वाला था तो मैं उसको घुमाते फिराते उस डायरेक्शन में लेके गया, ठीक है। और वहाँ पे भाई फिर बहुत सारे बंदे इधर से उधर घूम रहे थे, पीछे दौड़ाते दौड़ाते मैं उधर लेके गया और वहाँ पे फिर वो बंदा धूमधाम मचा रहा था, ठीक है। और उसके अलावा भाई वहाँ पे मेरे को लिटरली भर भर के अंडे मिले, ये देख रहे हो, मतलब रैक्स के भाई 5 एग मेरे को मिले हैं, वो एक्चुअली फीमेल रैक्स था, ठीक है। तो अभी अपने को देखो मस्त मस्त काम करने के। सबसे पहले पता है क्या करना है मुझे, मेरा लेवल 21 हो चुका है, ठीक है। और उसके अलावा भाई अपनी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है तो उनमें से भाई मेरे को सबसे पहली जो चीज़ चाहिए ना वो है ये रिफोर्जिंग, ठीक है। और उसके बाद में एक ये स्मिथिंग टेबल और उसके बाद में मेरे को इन दोनों में से कौन सी चीज़ ले सकता हूँ भाई, ठीक है। तो अभी मेरे को पता है क्या क्रिस्टल चाहिए, क्रिस्टल होगा तो फिर मैं स्पाई ग्लास बना सकता हूँ। तो उन दो अभी इन दोनों में से पता नहीं किससे मेरे को क्रिस्टल मिलेंगे। चलो अभी हैचेट अनलॉक किए तब तक आई थिंक एक और लेवल बढ़ जाएगा तो फिर अपन वो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को देखना ये कि इसकी रेसिपी क्या है भाई, रेसिपी बता दो मेरे को। फर्नेस के लिए मेरे को प्लांट हवा का बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो तो बन जाएगा इजी है। और स्मिथिंग टेबल किधर है, ओके ये रहा, ठीक है। इसके लिए 5 आयरन मेटल इनगोट चाहिए, ठीक है। तो अभी पहले तो अपने को फर्नेस ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ मैंने एक ये मोटालेन पेस्टल बनाया और इसमें भाई मैंने ये नारकोटिक भाई जितने भी मैं मेरे पास रेयर मीट वगैरह आ रहा है भाई मैं इसको बनाता जा रहा हूँ बिकॉज फ्यूचर में अपने को काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा डायनो टेम करने के लिए, ठीक है। तो अभी स्टोन वापिस से ले लेता हूँ, ठीक है। और अभी अपन क्राफ्ट कर सकते एक ये, ठीक है, ऑल राइट। और मैं इस फर्नेस को लिटरली अंदर ही लगाऊंगा क्योंकि बाहर का सीन कुछ ऐसा कि भाई बंदे आके तोड़ डालेंगे, कोई भी अग्रेसिव बंदा आ जाता है तो भाई फिर वो ऐसे की तैसे कर डालता है, ओके। और डाल देते भाई यहाँ पे ये मेटल और ये फर्नेस और फर्नेस क्या बोल रहा हूँ वुड लाइट फायर। अबे कम ऑन यार, इसी में तो बनता है यार आयरन, क्या और कहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, बन रहा है, ठीक है, ये भी उसी की तरह है भाई, ऑल राइट बन रहा है। तो 5 मेरे को चाहिए, मतलब कुकिंग पॉट की तरह है, जो भी चीज़ बन रही है वो दिखाई नहीं देती है, बस बन रही है। मेरे को क्या प्राइमल फियर में खेलता था ना तो उसमें भाई चीज़ें दिखती भी थी, ये चीज़ें इसमें बनती है बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है लोल। और उसके अलावा मेरे को एक ये चीज़ मिली है, ठीक है, ये इसका मेरे को वो मिला था ब्लू प्रिंट मिला था तो फिर मैंने ये स्लिंग शॉट एक बना लिया, ठीक है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भाई लिटरली 213 है और इसका डैमेज भी भाई 22 है तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अपना नॉर्मल जो रहता है उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है, 50 के आसपास रहती है। और उसके अलावा एक मेरे को ये क्लोथ शर्ट का भी ब्लू प्रिंट मिला है और इसका आर्मर 42 है लिटरली, मैंने जो हाइड का आर्मर पहना ना उसका भी आर्मर 42 नहीं है, कभी 30 के आसपास कुछ तो भी है। और ये जो ब्लू कलर के भाई ये हाई क्वालिटी वाले हैं और इसमें अपने को अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती है लेकिन इसके लिए 1000 फाइबर चाहिए जो कि मैं अभी कलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं लिटरली कलेक्ट कर रहा था और काफ़ी टाइम लग रहा है तो उसके लिए अभी फाइबर वगैरह तो अपन कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आ चुके हैं और अब अपन बना सकते एक स्मिथिंग टेबल, ठीक है। तो स्मिथिंग टेबल में फिर अपन हैचेट वगैरह बना पाएंगे। तो अभी आ चुकी है भाई सारी चीज़ें तो अभी बना लेते एक स्मिथिंग टेबल, ओके। और यहाँ पे देख लेते भाई इसको क्राफ्ट करने के लिए 8 मेटल इनगोट चाहिए जो कि आराम से भाई बन के आ जाएंगे। और ये आ चुका है भाई 8वां, तो अभी अपन बना सकते हैं एक भाई हैचेट आयरन की।
आयरन की या मेटल की जो भी बोलो तो क्राफ्ट करते हैं भाई। ऑलराइट, तो भाई आ चुके अपने पास में आयरन की हैचेट, वेरी गुड। अभी मैं क्रिस्टल वगैरह कलेक्ट कर पाऊंगा, अभी मेरे को क्रिस्टल की लोकेशन पे जाना पड़ेगा और अभी मेरे को लिटरली याद भी नहीं है कौन सी लोकेशन थी क्रिस्टल की। मेरे को एक और काम करने का था और वो भाई ट्राइसेरोटॉप्स टेम करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए थी। मेरे को बस खाली एक ये रैंप बनाना है जिसके लिए फाइबर चाहिए बस। ओके, तो ये बना लेते हैं एक रैंप और मैं इस हैचेट को इधर से हटा के ये वाली अपने शॉर्टकट में रखता हूँ और एक रैंप इधर रख लेते हैं, ठीक है। और स्टोन कैसे भूल गए भाई, स्टोन भी चाहिए। ओके, तो अभी मेरे पास में 25 स्टोन ही है बस खाली, तो अभी मैं क्या ही करूँ इसका। ठीक है, तो अभी मैं थोड़े बहुत स्टोन पहले कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये ट्राइसेरोटॉप्स घूम रहा है, आई थिंक वही पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था वही वाला है। और इसका लेवल 50 के आसपास कुछ तो भी था, ठीक है 50 लेवल है। और इसकी हेल्थ भाई 1100 से ऊपर है, तो ये बंदा भाई टेम करेंगे तो कितना लेवल होगा, आई डोंट नो, जो भी हो। ओके, 77 तो बहुत ज़्यादा हो गए स्टोन। अभी अपन इस बंदे को एक हिट मार के दफा होंगे और मेरे को ये जैसा ही ट्रैप होगा वैसे ही मेरे को खाली उस रैंप को तोड़ना है, ना कि पूरी की पूरी फाउंडेशन को। लास्ट बार मैंने पूरी की पूरी फाउंडेशन ही उड़ा दी थी तो भाई फिर मैं टेम नहीं कर पाया था। आजा, चल आजा, चल मैं आराम आराम से दौड़ रहा हूँ वरना ये बंदा फिर इधर उधर भाग जाता है। तो क्या रहा है ना, ठीक है आता है। अभी बस यहाँ पे खाली वो दूसरा वाला जो बंदा है ना, अबे व्हाट द हेल भाई, तेरा एग्रो का क्या हो गया भाई? अबे ये क्या अजीब बंदा है भाई, इसका एग्रो ही चला जाता है हर बार घूम फिर के। ओके, इधर एक और ट्राइसेरोटॉप्स है, कम ऑन यार, इसको मारूंगा तो फिर वो बंदा भी भाई इसी के साथ में फाइटिंग करने लगेगा। अबे यार मेरे को सिंगल ट्राइसेरोटॉप्स चाहिए भाई। और अभी इसका एग्रो आ गया मेरे पे, ठीक है मेरे इसको यहाँ तक मेरे को दौड़ा के लाना ही पड़ेगा। चल आ जा भाई अंदर। अबे क्या बंदा है भाई, वो दूसरा भाई पीछे आ गया। ओके, भाग ले अभी, जिसको मैं टेम करना चाहता हूँ भाई वो बंदा तो भूल गया लेकिन दूसरा वाला भाई पीछे आ गया, ये क्या मजाक है भैया। ठीक है चलो, तो यही सही भाई, चल तू ही टेम हो जाना चाहता है तो फिर तू टेम हो जा। चलो एक साथ में दो ट्राइसेरोटॉप से भाई पंगे हो गए हैं। अभी ये घर तोड़ रहे हैं, मैं इन्हें तोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी ये भागने की तैयारी करेगा क्योंकि अब ये लिटरली डाउन होगा, इसकी हेल्थ 600 है बस खाली। ओके भाई, ऑलमोस्ट हेल्थ खाली होने वाली है भाई। ओके, अभी भाग रहा है ना, कम ऑन यार, मर ना जाए बस खाली ये बंदा। अबे क्या मजाक है बे, अब एक और शॉट मारूंगा तो भाई ये मर ही जाएगा। लोल, ये क्या है बे, मैं भाई कम हेल्थ वाले के साथ भाई यही तो प्रॉब्लम है। ओके, उधर से भाई भर भर के बंदे आ रहे हैं। चलो अभी इतना जब मारा है तो एक और शॉट तू खा ले। ओके, अभी अनकॉन्शियस हुआ भाई साहब, इसकी तो ऐसी की तैसी। भाई 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 भाई, अरे यार स्टन मत हो यार, कम ऑन, भाग 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 भाग, मार डालेगा यार वो। अबे भाई ये घुमा फिरा के स्टन कर दिया यार। कम ऑन भाई, खाओ फूड, खाओ फूड, खाओ फूड, खाओ फूड। अबे यार अभी हेल्थ एकदम खाली हो गई मेरी। भाई साहब क्या ही बचा हूँ भाई मैं। ओके, अपना वो बंदा डाउन है ना, ठीक है चलो अभी इसको मैं जल्दी से बैरी डाल देता हूँ वरना भाई फिर। अबे यार ये बंदा कहाँ घूमते फिरते आ रहा है भाई, ये मार डालता है यार। भाई लिटरली 8 HP पे भाई ये बंदा डाउन हुआ है लिटरली, क्या ही बोलूँ भाई। ठीक है चलो अभी इसका टेम होने का मैं वेट करता हूँ, ठीक है। और तब तक पता है क्या, मैं थोड़े बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज 25 स्टोन है। और अभी अपन एक वो दूसरा जो 1000 हेल्थ वाला है ना उसको भी डाउन करेंगे भाई। अबे क्या है यार, कुछ धंका दो यार, ये क्या मजाक दे रखा है भाई। सारी की सारी थैच की चीज़ें, मैं लिटरली स्टोन एज में जाने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे को थैच के भाई आइटम्स दे रहे हैं ये ड्रॉप वाले, मैं क्या ही बोलूँ भाई। वेरी गुड भाई, ये काफ़ी सही सिस्टम है। चलो तू मेरा घर तोड़, मैं तेरे को तोड़ता हूँ। और भाई मैं, ओके ठीक है चलो डाउन हो गया भाई साहब, क्या बात है भाई, मज़े आ गए। चलो थोड़ी बहुत बेरीज कलेक्ट करके इस बंदे को दे देते हैं। कम ऑन भाई, बेरीज उस बंदे से लानी पड़ेगी थोड़ी बहुत। चलो इधर ही से कलेक्ट करके डाल देता हूँ भाई मैं। क्या मैं जो बेरी ही खाएगा क्या भाई, दूसरी खा ले, दूसरी कोई भी खा ले यार, कम ऑन मैन।
होल्ड राइट, फाइनली भाई ये बंदा टेम हो गया, लिटरली भाई जिंदगी बिता दी भाई इस बंदे ने तो। हो गया तो अभी फाइनली। अबे यार ये 60 लेवल से 87 लेवल का हुआ है, ठीक है। टेमिंग में पता है क्या इसका सीन कुछ ऐसा था कि भाई पहले तो इसको मैं फॉलो करवाता हूँ। ओके तो ये भाई इसका टॉर्पर बहुत ही स्पीड में जा रहा था, वो हेल्थ क्या बोल रहा हूँ, टेमिंग स्पीड बहुत कम थी और टॉर्पर जाने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। ओके 88% हुआ है, ठीक है ये भी अभी टेम हो जाएगा। ठीक है भाई सारे के सारे स्टॉक हो जाओ इधर ही। ओके अभी मैं इसका वेट करता हूँ। और ट्राइक का सैडल का सीन क्या है भाई, सैडल मैंने लॉक किया नहीं होगा। ओके ट्राइक के सैडल के लिए यार 12 इनकम पॉइंट्स चाहिए, मेरे पास खाली 2 है, तो नेक्स्ट लेवल अपना 200 XP चाहिए। और ऑलराइट थोड़ी बहुत क्राफ्टिंग मैं करूँगा और रिसोर्स वगैरह कलेक्ट करूँगा थोड़ा बहुत, तब जाके भाई 22 लेवल अपना हो पाएगा। 22 लेवल पे फिर इनकम पॉइंट्स मिल जाएंगे और काम हो जाएगा अपना, ठीक है। और इसमें यार ये दिखाता नहीं है ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। सारे के सारे ऐसे दिखने में तो भाई मेल ही दिखाई देते हैं, एरो ऊपर की साइड में है, लेकिन इसमें कुछ फीमेल होते हैं, जैसे कि ये अपना पैरासोर है, ये फीमेल है, ये अंडे बहुत सारे देता है, मैंने कलेक्ट भी किए काफ़ी सारे, बट इसमें मेरे को दिखाता नहीं। 96 हो गया, ठीक है। इसका टॉर्पर का क्या सीन है भाई, 74 है, ठीक है हो जाएगा। लेकिन फिर भी भाई मैं लिटरली 0% रिस्क लूँगा। मैं थोड़े बहुत और ये नार्कोबेरीज इसको खिला दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या ब्रिक क्लोरिंग वाटर जो भी था, चलो कलेक्ट कर लिया अपन फ्री का मटेरियल, अब 2-3 घंटे में मिलता है। ओके तो ये भी बंदा टेम हो चुका, 72 लेवल का हो गया, वेरी गुड भाई। और इसका सीन क्या है यहाँ पे देख लूँ, हेल्थ 1200 हेल्थ है, ठीक है। और इसका मिली डैमेज 228 है, वेरी गुड। और इसका मिली डैमेज क्या है भाई, और इसका मिली डैमेज 255 है, ठीक है। हेल्थ कम है तो भाई मिली ज़्यादा है, ठीक है। आ जाओ भाई सारे के सारे फॉलो कर लो मेरे को और चलते हैं अपन भाई इधर से। और डाइट अभी मेरे को काम काज करने का है भाई, थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा तो मेरा लेवल अप होगा, ठीक है। ऑल राइट तो ये है भाई एक्सप्लोरर नोट, ठीक है। मोस्ट जॉब्स इसको कर देते हैं बंद और अभी अपना लेवल पता है क्या ही स्पीड में अप होगा। एक लेवल बढ़ा या नहीं मेरा, ओके बढ़ गया ना, वेरी गुड भाई, यही तो कमाल है यार। मतलब एक्सप्लोरर नोट मिलता है तो एक लेवल तो तुरंत बढ़ जाए। अरे यार मैं अपने को मेरे को अपने डाइनोस को भाई लेके आना चाहिए था साथ में भाई, मैं डाइनो का भी लेवल अप हो जाता है ऐसे स्पीड में भाई, कमोन यार। खैर कोई ना, उधर मैं आगे की साइड में और काफ़ी एरिया एक्सप्लोर किया, उधर काफ़ी सारे एक्सप्लोरर नोट मेरे को मिले हैं, तो वो भी अपन चेकिंग करेंगे, ठीक है, जब अपने को ज़रूरत होगी लेवल बढ़ाने की तब, ठीक है। तो भी भाई चलो पहले तो मैं लेवल अपना आप करता हूँ, ठीक है। और मेरे को क्या चीज़ चाहिए थी, मूवमेंट स्टैमिना या हेल्थ, मूवमेंट को ही अभी मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके मूवमेंट ज़्यादा रहेगी तो भाई अपन किसी भी बंदे से कम बच के भाग सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा डेडली बंदा आ गया तो भाई फिर अपना भाई जिंदगी बचाने का काम काज तो भाई हेल्थ अपनी उतनी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अभी इसको मैं कर लेता हूँ लोक। और मेरे को इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई, ट्राइक का सैडल भी अपन क्राफ्ट कर सकते हैं यार, ट्राइक सेरोटोप्स का, ट्राइक का यार सैडल में क्या ही बक रहा हूँ, ट्राइक ही है ना, ओके ठीक है ट्राइक का सैडल है, वेरी गुड भाई साहब। चलो अभी काम हो गया, अभी पता है क्या मैं पहले तो एक बार सो लेता हूँ। ऑलराइट तो हो चुकी है भाई सुबह, क्या बात है भाई, क्योंकि रात में घूमना भाई बहुत ही बेकार लगता है मेरे को तो। ओके अभी इसके ऊपर से मैं तो जा नहीं सकता हूँ, अगर जंप करूँ तब भी डबल ये हो जाती है तब। होल्ड राइट तो अभी अपना जो 1200 हेल्थ वाला बंदा है ना, इसी को हम, अबे यार ये कहाँ पहुँचा देता मेरे को। ओके तो 1200 लेवल वाले को भाई हम देंगे सैडल और अभी इस बंदे पे हम करेंगे राइड। ओके ओके ओ भाई 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 ये क्या है, स्टैमिना जा रहा है ना, ठीक है भाई। ओके रुक जा, समझ गया भाई कैसे ये बंदा खतरनाक वाले काम काज कर सकता है, ठीक है भाई साहब। तो कुछ हद से ज़्यादा ही स्पीड है भाई फिर तो, मतलब क्या ही बोलूँ भाई। लोल वुड वगैरह कलेक्ट करता है क्या, ओके वुड कलेक्ट करता है, ठीक है। वो फाइबर मिल रहा है इसमें से या नहीं भाई, फाइबर की एक प्रॉब्लम होती है मेरे को थोड़ी सी, फाइबर मेरे को कलेक्ट से करना पड़ता है। ओके वुड तो भाई अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके वन शॉट में भाई कहाँ पहुँच गया, ठीक है पियोमिया को मारते हैं भाई।
भाई साहब प्योमिया तो कतई हाई स्पीड वाला बंदा है भाई, वो तो भाग लेगा। इसका स्टैमिना रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा भाई? ओके फटाफट हो जाएगा, ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भाई साहब मतलब ये बंदा मतलब क्या ही मस्त है भाई, क्या भी ट्राइक वर्सेस स्ट्राइक कर सकते हैं क्या? पहले देखते हैं इस बंदे का लेवल क्या है। हमें 10 लेवल का है रोल। चल भाई अपनी बिरादरी वालों को मार, आ जाओ भाई अपने बंदे भी अब लग जाएंगे इस पे। पैरासोर के साथ भाई फाइट मत करना लगना। अबे ट्राई इसका स्टंट वीजा मिलता है। अबे कम ऑन भाई मेरा ओ ठीक है, मेरे को लगा भाई मेरा पैरासोर मर गया लोल लेकिन मेरे पैरासोल ने भाई इसको मार डाला। ठीक है ओके वेरी गुड भाई साहब, कतई मस्त है भाई ट्राइक तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा ओपी भी है। ओके तो अभी अपना भाई देखो ट्राइसोलोटॉप्स का काम काज तो भाई हो चुका है, दो दो अपन ने टेम कर लिए और अभी ये दो ट्राइसोलोटॉप्स लिटरली यहाँ पे अच्छी खासी भाई डिफेंस कर लेंगे। ठीक है एक पैरासोर है और देखेंगे, चलो ऑफलाइन में मैं एक आधा और पैरासोर टेम कर लूंगा अगर अच्छा लेवल का मिला तो। बाकी अभी मेरे को पता है क्या चाहिए, क्रिस्टल चाहिए लिटरली भाई। तो मैं अपनी इन्वेंट्री क्लीन करता हूँ, क्रिस्टल की तलाश में मेरे को जाना तो है। ऑलराइट तो अभी पता है क्या, मैं चलता हूँ किसी ढंग की जगह पे और वैसे इस पहाड़ी पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है तो अभी अपन चलेंगे और मेरे को क्रिस्टल ढूंढने हैं, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कौन कौन सी लोकेशन पे। वैसे मेरे को दो तीन लोकेशन पता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर है तो अभी मैं उधर तो नहीं जाऊँगा। अभी मेरे पास में जो पहाड़ी है मैं इस पहाड़ी के उधर टॉप पे चलूँगा। ठीक है यहाँ पे तो लिटरली कुछ भी नहीं है क्योंकि इधर का एरिया मैं पूरा छानबीन करने के बाद ही मैं आया हूँ। ठीक है और यहाँ पे यार लिटरली रैप्टर वगैरह भी हैं। भाई कमोन यार भूख प्यास सब एक साथ ही में लगेगी क्या? ओके इधर तो भाई ओ शिट 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 शिट, अरे यार इस रैप्टर के पास नहीं, भाग ले यार भाग थोड़ा सा। कमोन कमोन भाई ये हेल्थ खाली कर देगा मेरी। शिट यार कमोन मैन भाई मेरा ये कैरेक्टर यार भागा ही नहीं भाई, मैं स्प्रिंट डबल टैप करके स्प्रिंट होता है और मैं क्या बोलूँ यार। और यार मैंने बेड पे रिस्पॉन मांगा है भाई, ये कहाँ जबरदस्ती का भाई स्पॉन दे रहे हो भाई, हद है यार, मैं वहाँ पे फालतू में ही मर गया यार। ओके चलो चलते हैं वापस से। और क्रिस्टल पता है इधर इधर या किधर, किसी ना किसी पहाड़ पे मेरे को पता है मिलते हैं, किसी ना किसी क्या इधर ही पीछे की पहाड़ी पे मिलते हैं क्रिस्टल। ठीक है वहाँ पे एक्चुअली मैं गया भी था और मैं कलेक्ट कर रहा था लेकिन स्टोन की पिकअप से भाई क्रिस्टल मिल ले रहे थे। ऑल राइट तो अभी घूमते फिरते भाई मैं आ चुका हूँ हजारों बार मर मर के। अबे ये क्या था, अबे व्हाट द हेल, अबे यार रैप्टर घूम रहा है इधर, अबे क्या ही बोलूँ भाई। क्रिस्टल मेरे को चाहिए बट रैप्टर अगर इधर से चला जाए तो भाई मैं क्रिस्टल लेना चाहता हूँ और मैं चुपचाप इधर से दफा हो जाऊँगा। इससे पहले भी मैं आया था एक बार क्रिस्टल लेने के लिए बट फिर वही था भाई, रैप्टर आ गया। रैप्टर क्या ही बोल रहा हूँ, हाँ किसी ना किसी बंदे से तो भाई मैं मर गया था। क्रिस्टल मेरे को मिल तो गए थे लेकिन भाई फिर भी मैं मर गया भाई किसी बंदे से। फिर मैं क्या वैसे ज़्यादा किससे मिल रहा है भाई, टिकट से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है ओके तो इधर से अपन बहुत सारा भाई बहुत सारा तो कहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर मिल जाए ना और मैं घर तक लेके जा पाऊँ वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक वाली एक जगह है। और यहाँ पर भाई एक तो यहाँ तक पहुँचना ही एक तो बहुत डिफ़िकल्ट है, रास्ते में बहुत ही डेडली बंदे मिलते हैं भाई। ओके अभी मैं हूँ किस जगह पे, लिटरली मैं यहाँ पे हूँ और मैं बेड कहाँ पे, वहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ चल के लिटरली अपने इस पैरासोर पे। पहले मैं ऐसे ही चल के आ रहा था और उसमें भाई फिर रास्ते में मैं मर ही जा रहा था, चाहे इधर या उधर कुछ भी हो रहा था ना मैं मर जा रहा था। और अभी फाइनली मैं सोचा फिर चलो पैरासोर ही पे चलते, पैरासोर की हेल्थ कम से कम 1000 है तो कोई बंदा अगर पीछे पड़ेगा तो भाई 1000 हेल्थ एकदम से खाली नहीं कर पाएगा तो कम से कम मैं बच सकता हूँ पैरासोर पे आके, बाकी ऐसे तो मैं बच नहीं रहा था। ऑलराइट और थोड़ा बहुत चलो अब आए हैं तो भाई आयरन भी उठाते ही जाते हैं। ठीक है और स्टोन जितना भी कलेक्ट होगा सारा के सारा मैं ड्रॉप कर दूंगा। वैसे एक काम और हो सकता है और वो ये कि मैं सारा मेटल इस बंदे को दे देता हूँ। ठीक है और अभी क्या ये मेरे को उठा के दौड़ पा रहा है ना? ओके वेरी गुड, चलो
इतना ही करना था मुझे, अभी बस मुझे कैसे भी करके अपने घर पे वापस पहुंचना है। दैट्स इट, यहाँ पे एक्सप्लोरर नोट वगैरह। कमोन भाई, ये क्या पिकनिक के लिए ऐसे ही बना रखा है? एक्सप्लोरर नोट किधर है भाई? कमोन ओके, अभी मेरे को जाने का किधर है, मेरा घर किस तरफ है पहले मैं देख लेता हूँ भाई। ओके, मेरा घर इधर की साइड में है लिटरली, तो अभी चलो चलते हैं भाई आराम आराम से। उधर एक रैप्टर गया था ना, तो उधर मैं नहीं जाऊँगा। होल राइट, जैसे तैसे करते हुए भाई पहुँच गया। रास्ते में एक रैप्टर भाई पीछे पड़ गया था, और मैं अभी ये क्या था भाई? ओके, इसका ब्लू प्रिंट है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी है, आर्मर 44 अकेले इसका आर्मर 44 है लोल। होल राइट, तो भाई जैसे तैसे करके इस बार भाई मैं ले आया हूँ क्रिस्टल। क्या बात है भाई, अबे उतरना है भाई इसमें से। चलो मेटल ले लेते, और मैं अपने वो पुराने बेस से और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ले आया हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो भी। तो फाइनली अभी मैं बना सकता हूँ एक स्पाइक ग्लास। ओके ये रहा। ऑल राइट, तो अभी अपन भाई रखते हैं इसको शॉर्टकट में, वेरी गुड। और भाई इसकी सेंसिटिविटी तो भाई बहुत ही हाई है लिटरली। ओके ये मेल है, और टोर पोर इसका कितना है? 1.48 है। ओके, और 10 लेवल का पैटर्न नोड होने। ओके अबे यार इसकी सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही है। अभी ये क्या चल रहा है बे? इससे भाई भिड़ रहे हो तुम लोग, अभी जबरदस्ती का ही। ओ भाई रैप्टर था वो भी 115 लेवल का, भाई मेरे को पता भी नहीं चला कब ये गधेड़ा यहाँ पे आया, कब हमारे बंदों ने भाई इसे धो डाला लिटरली। वेरी गुड भाई, मज़े आ गए। यही तो कमाल है भाई अपने ट्राइसेरोटॉप्स का, क्योंकि डेडली बंदे भाई, इनकी हेल्थ काफ़ी मस्त है। अरे इसका सीन क्या भाई, हेल्थ अच्छी खासी है, खाली भी कर दी है। ड्रैप्टर का सैडल भाई आ चुका है, वैसे प्रिजर्विंग बीन मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए अभी, ठीक है। एक्विस का भी सैडल अनलॉक्ड है, हो सकता है, ठीक है तो नहीं अभी। ऑलराइट, अभी मेरे को एक प्रिजर्विंग बीन बनाने का है, क्योंकि मेरी चीज़ें भाई सब सड़ती हुई है, ऐसे ही कि सड़ जाती है। ओके, इसके लिए मेरे को स्टोन चाहिए, वुड थैच। ओके फाइनली, चलो अभी बन रहा है अपना प्रिजर्विंग बीन, और रिजर्विंग बींग वॉट एवर जो भी हो, ठीक है। तो इसको अपन अंदर ही लगाए या फिर बाहर कहीं लगा सकते हैं। ओके इस कोने में लगा देता हूँ मैं। ऑल राइट, और मेरा जितना भी ख़राब होने वाला क्या ही बोल रहा हूँ, ख़राब होने वाली चीज़ें है ना भाई, वो सारी की सारी अपन प्रिजर्विंग बीन में ही ऐड करेंगे। ऑल राइट, तो ये है भाई अपनी आखिरी चीज़ें, ये बायोटॉक्सिन। मेरे को भाई वो जेली फिश रहते हैं जो चमकदार चमकीली रहती है बिजली मारने वाली, उसमें से मेरे को मिली है। मेरे घर के पास एक्चुअली वो पुराना वाला जो घर था ना, वहाँ पे मस्त जगह थी, और उधर लिटरली बहुत ही आसानी से मैं मार पा रहा था, तो फिर उसमें से कलेक्ट हो गई थी। तो ठीक है, चलो भाई आज का काम काज तो हो चुका है, मेरे को जो जो करना था आज के एपिसोड में वो सब हमने कर लिया, ठीक है। ट्राइसेरोटॉप टेम कर लिया है, अब उनने आयरन के टूल्स वगैरह बना लिए हैं, और स्पाई ग्लास बन चुका है, प्रिजर्विंग बीन भी आ चुका है, और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत सारे और भी मस्त मस्त काम काज करने वाले हैं। तो ठीक है, चलो फिलहाल आज के एपिसोड को गाइस हम यहीं पे एंड करते हैं। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।